हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि मैं लूसेंट का जो है महामैराथन क्लास लेके आने वाला हूं, तो दोस्तों आज से जो है आप लोग संकल्प कर लीजिए लूसेंट के एक एक फैक्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, वो भी मेरे साथ, और मैं जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि प्राचीन इतिहास क्या होता है और इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों, और हमारे भारत का नाम कैसे पढ़ा, और इंडिया क्यों बोलते हैं, हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, और जो है उसका नाम भारत क्यों पड़ा, सारी चीजें इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो लूसेंट का ये जो है एक तरह से पहला वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, स्पेशली फॉर इंग्लिश जो है उनको समझ में आती है, उनके लिए वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हिंदी माध्यम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही साथ साथ। दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं उसको हमने कोशिश किया है इंग्लिश में जो है लिखने के लिए, और आपको पता होगा दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम से भी एक बुक आती है लूसेंट की, लेकिन वो जो लूसेंट की बुक होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है मैटर होता है, समझना जो है काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी आती है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि जो भी लूसेंट किताब है हिंदी मीडियम की, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश हमने की है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास से पढ़ेंगे, जो है हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक है भारत का इतिहास और दूसरा है दोस्तों विश्व का इतिहास। यानी कि सबसे पहले हम भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर जब हमारा भारत का इतिहास पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम विश्व के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बात आती है भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला जो है वो है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और जो है तीसरा है वो आधुनिक इतिहास। दोस्तों, आप बताइए कि क्यों इतिहास को बांटा जाता है, जैसे क्या ज़रूरत थी इतिहास एक ही में पढ़ा दिए होते, क्या ज़रूरत थी भारत के इतिहास को बांटने की। तो मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों कि किसी भी देश में इतिहास को बांटने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। वहाँ क्या कारण होता है दोस्तों, वहाँ जो है सबसे बड़ा कारण क्या है, किसी भी इतिहास का विभाजन क्यों होता है, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, इतिहास का विभाजन हम किस आधार पर करते हैं और क्यों इतिहास को बांट दिया गया। तो दोस्तों, इसका जो आधार होता है वो तीन बहुत बड़े बड़े आधार होते हैं, जिसको पहला बोला जाता है समाज, यानी कि वहाँ के समाज में क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी, वहाँ के सोसाइटी में चेंजिंग आ जाएगी। दूसरा दोस्तों होता है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, क्या होगा इकोनॉमिक्स, तो वहाँ के इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था जिसे कहते हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि उस देश के इतिहास के विभाजन करने का समय आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों, भारत का जो इतिहास है उसका प्राचीन इतिहास नाम क्यों पड़ा, उसका मध्यकालीन इतिहास नाम क्यों पड़ा, और आधुनिक इतिहास कब से कब माना जाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले हमारे देश में जो है जो भी होते थे वो भारतीय लोग होते थे, और भारतीय लोगों का क्या होता था, रूल होता था, भारतीय लोग क्या करते थे, शासन करते थे हमारे देश पे। तो हमारे भारतीय लोग जब शासन कर रहे हैं हमारे देश पे, तो उनका एक अलग समाज होगा, अलग सोसाइटी होगी, उनका एक अलग जो है राजनीतिक व्यवस्था होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उनका जो है इकोनॉमिक जो है राज्य व्यवस्था जो होगा वो अलग तरीके का होगा। तो उसको हमने बोल दिया प्राचीन इतिहास, यानी कि जो सबसे पहले जो है रूल किया होगा भारतीय शासक, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, किसका, भारत का, ठीक है। अब दोस्तों, जो मध्यकालीन इतिहास होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो दूसरा आपका आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो है वो 720 एडी से स्टार्ट होता है दोस्तों। 720 एडी वह समय है जब प्रथम मुस्लिम आक्रमण हमारे देश पर हुआ था।
मोहम्मद बिन के द्वारा जो है हमारा आक्रमण हुआ था हमारे जो है देश पे, तभी से जो है स्टार्ट होता है, तभी से हम अध्ययन करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो जब हम 720 एडी के बाद की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आपका आधुनिक इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दोस्तों आधुनिक इतिहास सन 1600 ईस्वी से, कब से दोस्तों? सन 1600 ईस्वी में, यानी कि एडी इसको बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। 1600 एडी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि यूरोपियों का आगमन होता है हमारे देश में, और जब यूरोपियों का आगमन होगा तो हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तब हमें जो है इतिहास को विभाजन करने की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरह से हम इतिहास को विभाजन करेंगे किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है, यहीं से जो है बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट होते हैं, सारी चीज़ें जो कहां से आती है मॉडर्न हिस्ट्री में, और इसी में जो है हमारी राज्य व्यवस्था भी आती है। ठीक है, तो कैसे बांटा गया, इतिहास का विभाजन क्यों होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि किसी भी देश का अगर विभाजन करना है तो वहां पे तीन मेजर जो है चेंज जरूर होना चाहिए, वहाँ के सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, वहाँ के राज्य व्यवस्था में चेंज होना चाहिए, और वहाँ के जो है राजनीतिक व्यवस्था में चेंज हो गया अगर, तो आप बोलोगे कि इस देश का इतिहास का विभाजन कर देना चाहिए। वही यहाँ पर भी हो, जब मध्यकालीन इतिहास हुआ होगा तो मुस्लिम इतिहासकार जो भी थे, मुस्लिम आक्रमण पहला बार हुआ था 720 एडी में, तो वो लोग आए होंगे तो उनका अलग शासन होगा, उनका जो है अलग तरीके का समाज होगा, और उनकी जो है राजनीतिक व्यवस्था जो होगी, पॉलिटिकल सिस्टम होगी, वो जो है अलग तरीके की होगी, इसलिए उसको हमने डिवाइड कर दिया मध्यकालीन इतिहास में। दोस्तों अब जो है हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमने पढ़ा भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के तीन पार्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना, और प्राचीन इतिहास को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। जब प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, फिर पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। और दोस्तों पेज नंबर 1 पे सबसे पहले यही चीज बताई गई है, आपको इतिहास का विभाजन किया गया, लेकिन बुक में इस तरह से आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा, बुक में आपको लिखा हुआ है लेंदी मॉडल में, जो कि आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने कोशिश यही की है दोस्तों कि आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करूं, और चीज़ों को ग्राफ बना करके उसका जो है सांचा बना करके मैं आपको दूं, ताकि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आए। तो हम भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वो क्या है, एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। एडी यानी कि इसको बोलते हैं ईसा, और बीसी जो होता है उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि इतिहास में डेट अगर आपको नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इतिहास में डेट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मान लीजिए कहीं लिख दिया गया 720 एडी तो उसका आप मतलब नहीं समझ पाओगे, कहीं लिख दिया गया 800 बीसी उसका मतलब नहीं समझ पाओगे। तो उसको जो है मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसका नोट और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं समझेंगे तो आप डेट का जो है क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे कि डेट क्या होती है, कैसे उसको याद किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो एडी होता है और जो बीसी होता है वो क्या होता है? तो बीसी जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट। और जो हमारा एडी होता है, जो हमारा एडी होता है इसको बोलते हैं दोस्तों एन्नो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एन्नो डोमिनी। और दोस्तों बीसी को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और जो हमारा एडी होता है इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं ईसा। ठीक है, इसको समझना है अगर, तो मैं एक टाइमलाइन बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक टाइमलाइन बना दिया दोस्तों, और यहाँ पे हमने बोला कि टाइमलाइन अभी जीरो है। ठीक है, तो जीरो डेट कब से स्टार्ट हुई, कोई बता सकता है? डेट कब से स्टार्ट हुई दोस्तों? जब ईसा मसीह का जन्म होता है। जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होता है उसी को हम मानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, जीरो ईस्वी में हुआ था, जीरो एडी में हुआ था। तो जीरो किसको कहते हैं दोस्तों? जीरो बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म को। किसको बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जीरो बोलेंगे। तो अभी क्या चल रहा है दोस्तों? अभी चल रहा है आपका 2022 चल रहा है।
तो इसका मतलब 2022 हुआ होगा, तो जीरो से क्या हुआ होगा, एक हुआ होगा, दो हुआ होगा, तीन हुआ होगा, डॉट 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 कहां तक हुआ होगा, 2022 हुआ होगा। तो क्या ईसा मसीह के जन्म के पहले नहीं लोग रहते थे? बिल्कुल रहते थे। तो उसको किस डेट में लिखते हैं दोस्तों? तो उसको हम जीरो से पीछे जाना पड़ेगा। तो जीरो से पीछे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस का वन होगा, माइनस का टू होगा, माइनस का थ्री होगा, ऐसे ऐसे कहां तक होगा दोस्तों, इनफाइनाइट तो होगा, यानी कि माइनस का इनफाइनाइट होगा। तो देखिए दोस्तों, एडी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो भी समय लिया जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है एडी। क्या बोला जाता है? एडी बोला जाता है, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ईसा बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखिए वीडियो को। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जब बात होगी दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बीसी, या फिर हिंदी में दोस्तों बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईसा पूर्व बोलते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एडी क्या है और बीसी क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि 520 एडी और मैं बोल दूं दोस्तों आपको 520 बीसी, तो आप कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे मैं बोल दूं अगर कि मैं 520 एडी में पैदा हुआ था, तो मैं कितने साल, आज से कितने साल पहले पैदा हुआ था, ये बताना है आपको। और अगर मैं बोल दूं दोस्तों कि मैं 520 बीसी में पैदा हुआ था, तो आपको ये बताना है कि मैं कितने साल पहले पैदा हुआ था, तो कैसे बताओगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या है, एडी है। तो जब भी एडी पूछा जाएगा तो हम पैदा कहाँ हुए थे? अभी चल रहा है 2022 एडी चल रहा है। क्या चल रहा है? 2022 एडी चल रहा है। हम पैदा कहाँ हुए थे? 520 एडी में। तो एक दो तीन चार डॉट डॉट ऐसे चलते चलते कहीं बीच में आएगा आपका 520 एडी। तो हम कितने साल पहले पे जो है पैदा हुए थे? तो 2022 से हम क्या करेंगे, 520 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 2022 से 520 को माइनस करेंगे, तो हमको ये वाला ड्यूरेशन पता चल जाएगा, इतने साल जो है हम पहले क्या हुए थे, पैदा हुए थे। तो कैसे करेंगे इसको दोस्तों, 2022 माइनस 520 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 में से 2 जाएगा 0, और ये आपका 10 में से 5 जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, 11। यानी कि 1502 साल पहले हम क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अच्छा, जब 520 बीसी की बात होगी, तब हम कितने साल पहले जो है पैदा होंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। अभी क्या चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है। 520 बीसी का मतलब हुआ दोस्तों कि जीरो से आप आ जाएंगे पीछे, यानी कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यहाँ कहीं होगा बीच में 520 बीसी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जीरो से लेकर के 2022 तक तो है ही, साथ में दोस्तों 520 और ऐड करना पड़ेगा, तब हमको जाकर के पता चलेगा कि हम कितना साल जो है पहले पैदा हुए थे। तो इसमें 520 हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 5 और 2, यानी कि हम लोग 2542 साल पहले जो है हमारा जो है जन्म हुआ था। इससे जो है हमें ये चीज़ पता हो गई होगी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एडी क्या होता है, आप समझ गए होंगे बीसी क्या होता है। जब एडी लिखा होगा तो आप जो है 2022 यानी कि जो भी करंट डेट होगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा, और जब बीसी लिखा होगा तो जो भी करंट डेट होगा उसमें उस चीज़ को ऐड कर दीजिएगा, तो आपको जो है डेट क्लियर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि एडी बीसी क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन करने की। उसमें जो है सबसे पहला आपका आएगा कि हमारे भारत का नाम कैसे पड़ा। हमारे भारत के तीन नाम है दोस्तों, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। तो भारत किसने दिया, इंडिया किसने दिया, हिंदुस्तान किसने दिया, इस चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ और नोट मैं आपको सेंड करूँगा। हाँ, तो दोस्तों अब हम अध्ययन करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। यही से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ से चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास का, उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक जो है इतिहास, और यही से चीज़ें जो है इतिहास में शुरू होती है और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों देखिए हमने कितने अच्छे फॉर्मेट पे इसको तैयार किया है कि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों पहला पेज उठा करके देखिएगा लूसेंट का, पहले पेज के दूसरी तीसरी लाइन में जो है ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि उसका नामकरण कैसे है,
तो इस तरह से व्यवस्थित करके नहीं लिखा गया है। मैंने यही कोशिश की है कि आपके नोट्स जो हों वो इस तरह से हो ताकि आप एक बार देखो और आपको जो है याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पढ़ेंगे दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में नामकरण, यानी कि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं अगर, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भारत नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ गया, हिंदुस्तान क्यों बोला जाने लगा, कैसे जो है नाम पड़ा भारत का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमारा नाम पड़ा था भारतवर्ष। तो भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा दोस्तों, हमारे जो है महाकाव्य और पुराण में लिखा गया था कि भारतवर्ष कोई चीज होती है, तो भारतवर्ष से जो है हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दोस्तों यही पूछा जाएगा कि जो हमारे देश का नाम भारत है या फिर भारतवर्ष है वो जो है कहाँ पे लिखा गया था। तो कहाँ लिखा गया था दोस्तों, महाकाव्य और पुराणों में लिखा गया था। इसका उल्लेख मिलता है किसका, भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। और यहाँ जो भारतवर्ष था उसको बोलते थे भरत का देश। तो मैं बताऊँ दोस्तों, भरत एक राजा हुआ करते थे, ऐसा लिखा गया है महाकाव्य और पुराणों में कि भरत जो है एक राजा हुआ करते थे और वहाँ पे जो है भारत देश पे राज किया करते थे। पहले इनका नाम, मतलब पहले देश का नाम भारत नहीं हुआ करता था, पहले कुछ हुआ था लेकिन भरत नाम के एक राजा थे, वो राज करते थे इस पूरे क्षेत्र पे। तो उन्हीं को क्या बोल दिया गया कि भरत का देश है। ये किसका देश है, भरत का देश है, और भरत के देश के नाम से हमारा क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। तो दोस्तों यहाँ के जो निवासी थे उन्हें बोला गया भरत की संतान, या फिर भरत की संतान बोला गया, या फिर भारतीय बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, तो इंडियन या फिर भारत की संतान या फिर जो है भारत कहाँ से आया, आपको क्लियर हो गया होगा महाकाव्य और पुराणों से, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों इंडिया, इंडिया नाम कहाँ से आया, तो इंडिया नाम दोस्तों यूनानियों ने दिया था। यूनानी जो है ग्रीक जो है एक देश पड़ता है, जब ग्रीक वाले हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए आए थे, तो ग्रीक वाले जब आए तो पाकिस्तान में एक नदी पड़ती है जिसको बोलते हैं इंडस नदी। आप जब पाकिस्तान एरिया में आओगे उधर से, उधर ही ग्रीक पड़ता है, ग्रीक से आते वक्त भारत में जो है आपका पाकिस्तान पड़ेगा। तो पाकिस्तान में एक नदी थी जिसका नाम था इंडस नदी, जिसको हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, और आगे पढ़ेंगे भी सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सिंधु नदी या फिर इंडस नदी, तो वहाँ से हमारा जो है आपका आया है, इंडस से मिल करके बना है इंडिया, ठीक है, इसे हम सिंध भी कह सकते हैं। तो इंडस, इंडस बोलते बोलते इसको क्या बोलने लगे सब यूनान वाले, इंडिया बोलने लगे, तो हमारे भारत का कौन नाम पड़ गया, इंडिया। अब दोस्तों बात आती है हिंदुस्तान, जो हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान है वो कैसे पड़ा था। तो दोस्तों वो जो है मुस्लिम इतिहासकार, आपको पता होगा कि 720 एडी में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो मुस्लिम इतिहासकार हैं बहुत सारे, इतिहास लिखे, तो उसमें जो है मेंशन किया कि ये क्या है, ये हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदू प्रजाति के लोग ज़्यादा थे इस देश में, उसीलिए जो है उसका नाम क्या दे दिया गया, हिंदुस्तान दे दिया है। तो दोस्तों तीन मेजर क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं कि भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महाकाव्य और पुराण में। दोस्तों इंडिया नाम किसने दिया, वो किसने दिया, यूनानियों ने दिया, ग्रीक ने दिया। और जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हमारा जो भारत का नाम हिंदुस्तान है इसको जो है किसने दिया था, तो मुस्लिम इतिहासकार दिए थे। ये जो है आपके पहले पेज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं रहेगी, और इसी फॉर्मेट में आगे भी मैं आपको जो है शॉर्ट तरीके से एकदम मतलब जो है डायग्राम बना करके आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके आगे का जो भी जो है कवरेज होगा वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लूसेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपटीशन के लिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ तक कि IAS PCS कोई भी हो, JEE वगैरह, सबके लिए जो है ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट को आप इस तरीके से पढ़िए, लूसेंट को रटिए नहीं दोस्तों, लूसेंट को समझिए। अब आपसे कोई पूछेगा नामकरण बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि महाकाव्य में क्या मिला है, भारतवर्ष यूनानियों ने दिया इंडिया, और मुस्लिम इतिहासकार ने हिंदुस्तान दिया, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश और एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।